खान वर्सेस सलमान खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था, वहीं सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। शाहरुख खान की उम्र 58 साल हो चुकी है, वहीं सलमान खान भी 2024 के हिसाब से 58 साल के हो चुके हैं। शाहरुख खान का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, वहीं सलमान खान का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान सरकारी चीफ इंजीनियर थे, वहीं सलमान खान के फादर सलीम खान बॉलीवुड के एक फेमस लेखक हैं। शाहरुख खान की मदर लतीम फातिमा खान एक मजिस्ट्रेट थी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेहद ही करीबी थी। वहीं सलमान खान की मदर सुशीला चरक एक हाउसवाइफ हैं। शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं सलमान खान ने 1988 में बीवी हो तो ऐसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। शाहरुख खान ने अब तक 67 मूवी के अंदर काम किया है, वहीं सलमान खान ने अब तक 84 मूवी के अंदर काम किया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान की अब तक 24 मूवी फ्लॉप रही है, वहीं सलमान खान की अब तक 28 मूवी फ्लॉप रही है। तो यहाँ पर लगभग दोनों की बहुत कम फिल्में फ्लॉप रही हैं, तो दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है। शाहरुख खान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 1150 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है बजरंगी भाईजान, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 921 करोड़ रुपए कमाए थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है पठान, जिसने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान खान की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है सुल्तान, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 623 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को ही मिलता है। शाहरुख खान की फर्स्ट डे सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी है जवान, जिसने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 129 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान खान की ओपनिंग डे पे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है टाइगर 3, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे करीबन 94 करोड़ रुपए कमाए थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान की लास्ट मूवी थी डंकी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 452 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान खान की लास्ट मूवी थी टाइगर 3, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे करीबन 462 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान की अब तक 16 मूवी ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए हैं, वहीं सलमान खान की अब तक 17 फिल्में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमा चुकी हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही अपनी हर एक मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, और मूवी के सक्सेस होने पे मूवी के प्रॉफिट से शेयर भी लेते हैं। शाहरुख खान एक एड एडवर्टाइजमेंट के लिए करीबन 5 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं, वहीं सलमान खान अपनी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए करीबन 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान की नेटवर्थ करीबन 6300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वहीं सलमान खान की नेटवर्थ करीबन 2900 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान को अब तक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, वहीं सलमान खान को अब तक सिर्फ 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान के फेवरेट एक्टर हैं बलराज सहानी और दिलीप कुमार, वहीं सलमान खान के फेवरेट एक्टर हैं थाला अजीत और दिलीप कुमार। शाहरुख खान की फेवरेट एक्ट्रेस है मधुबाला, वहीं सलमान खान की फेवरेट एक्ट्रेस है हेमा मालिनी। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी होने वाली है पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान, वहीं सलमान खान की नेक्स्ट मूवी होने वाली है द बुल और टाइगर वर्सेस पठान। तो आप शाहरुख खान के फैन हैं या सलमान खान के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।